हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर है आइसक्रीम। आइसक्रीम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आइसक्रीम का प्रोडक्शन, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस एज वेल एज बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसक्रीम। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं आइसक्रीम है क्या। आइसक्रीम इंट्रोडक्शन। आइसक्रीम इज अ फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट। एक फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट है, हमेशा फ्रीज्ड फॉर्म में ही रहता है। आप सभी ने खाई होगी आइसक्रीम, शायद ही ऐसा कोई हो जिसने नहीं खाई हो, तो शायद उसकी प्रॉपर्टीज से सभी लोग वाकिफ होंगे, इसलिए इसको समझना भी बहुत आसान होगा। बस पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट है, प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ डेयरी एंड नॉन डेयरी कंपोनेंट्स। इसमें सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, इसमें नॉन डेयरी कंपोनेंट्स भी मिक्स होते हैं, लाइक मिल्क, क्रीम, स्किम मिल्क पाउडर, स्वीटनर्स, स्टेबिलाइजर्स, इमल्सीफायर्स, फ्रूट्स, नट्स, कलर एंड फ्लेवर। देखिए आप, कितनी सारी चीज़ों से मिलके ये आइसक्रीम बनी हुई है। इन सारी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट हैं और बहुत सी नॉन डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये सारी मिलके ही आइसक्रीम के फॉर्मेशन को करवा रही हैं। ऑल आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड प्रोसेस्ड टू फॉर्म आइसक्रीम मिक्स। आइसक्रीम को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जा रहा है, इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिक्स किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और आइसक्रीम बन के रेडी हो गई। इनका ऑर्डर फिक्स होता है, पहले किस चीज़ का एडिशन होगा, उसके बाद में किस चीज़ को ऐड किया जाएगा, और फिर इस तरीके से आइसक्रीम रेडी होती है। ऑर्डर में ऐड करने के बाद में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, जो भी मिक्सचर होता है, एंड दिस मिक्स इज देन फ्रोजन अंडर अ रैपिड एजिटेशन विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर। अभी जो मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका होता है, उसको फिर फ्रीज कर लिया जाता है रैपिड एजिटेशन के द्वारा, और हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाती है। आइसक्रीम इज अ प्रोडक्ट दैट फॉल्स अंडर दियर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फ्रोजन डिजर्ट्स। फ्रोजन डिजर्ट्स का मतलब वो होता है जिनमें कि फ्रीज किए हुए आइटम्स आते हैं, जैसे कि आइसक्रीम इज वन ऑफ देम, तो ये उसी फ्रोजन डिजर्ट्स की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है। डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ आइसक्रीम। According to Food Safety and Standards Regulation 2011, India, आइसक्रीम, कुल्फी, चॉकलेट आइसक्रीम और सॉफ्टी आइसक्रीम means the product obtained by freezing a pasteurized mix prepared from milk or other products derived from milk or with or without the addition of न्यूट्रिटिव स्वीटनिंग एजेंट्स। ये जितने भी यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट बताए गए हैं, आइसक्रीम, कुल्फी, चॉकलेट आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम, सारी ही चीज़ें, फ्रीजिंग, पास्चराइजेशन और भी बहुत सी प्रोसेसेस के थ्रू बनती हैं, और इसके साथ में ही इनमें काफ़ी न्यूट्रिशनल चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, स्वीटनिंग के लिए भी मिलाए जाते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, एग प्रोडक्ट, कॉफ़ी, कोकोआ, चॉकलेट, कैंडीमेंट्स, स्पाइसेस, जिंजर, नट्स, बहुत आपने देखा होगा आइसक्रीम के तो बहुत सारे ही फ्लेवर मौजूद होते हैं, तो सारे ये सारी चीज़ें मिलके ही बनते हैं अलग अलग से फ्लेवर। इट मे ऑल्सो कंटेन बेकरी प्रोडक्ट्स। इसमें बेकरी प्रोडक्ट भी होते हैं, सच एज केक और कुकीज, एज अ सेपरेट लेयर एंड और कोटिंग। जैसे कि आप बहुत सी ऐसी आइसक्रीम खाते हैं जिनमें कि बाहर से ही चॉकलेट की कोटिंग होती है, किसी में कोई केक लगा हुआ होता है, बाहर से कुकीज़ लगे हुए होते हैं कोटिंग की तरह, एक दूसरी लेयर की तरह, तो
तो आप देख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट, नॉन डेयरी प्रोडक्ट एज वेल एज बेकरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन आइसक्रीम प्रोडक्शन। सो हियर आर सम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स फॉर आइसक्रीम। कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तीन तरह की आइसक्रीम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे कि नॉर्मल आइसक्रीम, मीडियम फैट आइसक्रीम एंड लो फैट आइसक्रीम। जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे दी गई हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड नॉर्मल आइसक्रीम में नॉट लेस देन 36%, 36% से कम सॉलिड नहीं होना चाहिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आइसक्रीम की। लेकिन अगर यही मीडियम फैट आइसक्रीम है तो फैट का परसेंटेज, जो टोटल सॉलिड का परसेंटेज है, वो 30% से कम नहीं होना चाहिए। जबकि जो लो फैट आइसक्रीम है इसमें टोटल सॉलिड का कंटेंट 26% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेट वाई वॉल्यूम। वेट वाई वॉल्यूम का जो रेशियो है ये ग्राम पर लीटर में लिया गया है और इसकी वैल्यू 525 से कम नहीं होनी चाहिए इन द केस ऑफ नॉर्मल आइसक्रीम। ये 475 से कम नहीं होनी चाहिए फॉर द मीडियम फैट आइसक्रीम एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 475 इन द केस ऑफ लो फैट आइसक्रीम। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है मिल्क फैट की। मिल्क फैट की बात करें तो नॉर्मल आइसक्रीम में मिल्क फैट इट शुड नॉट बी लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होना चाहिए। जबकि अगर मीडियम फैट आइसक्रीम की बात करें सो मोर देन 2.5% बट लेस देन 10%। ये 10% से कम होता है मिल्क फैट इन द केस ऑफ मीडियम फैट आइसक्रीम। और लो फैट आइसक्रीम की अगर बात करें तो नॉट मोर देन 2.5%, 2.5% से ज़्यादा नहीं होता है मिल्क फैट। अगला आता है मिल्क प्रोटीन। अगर मिल्क की प्रोटीन की बात करें तो नॉर्मल आइसक्रीम के केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5%, 3.5% से कम नहीं होना चाहिए। जबकि मीडियम फैट आइसक्रीम के केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5%। ये जो मिल्क प्रोटीन होती है ये 3.5% से कम नहीं होना चाहिए। जबकि जो लो फैट आइसक्रीम है, इन द केस ऑफ लो फैट आइसक्रीम मिल्क प्रोटीन शुड नॉट बी लेस देन 3%। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दिए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रोजन डिजर्ट और फ्रोजन कॉन्फेक्शन मीन्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय फ्रीजिंग अ पाश्चराइज्ड मिक्स प्रिपेयर्ड विद मिल्क फैट और एडिबल वेजिटेबल ऑयल एंड फैट हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉट मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन कॉम्बिनेशन एंड मिल्क प्रोटीन अलोन और इन कॉम्बिनेशन और वेजिटेबल प्रोटीन प्रोडक्ट सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द एडिशन ऑफ न्यूट्रिटिव स्वीटनिंग एजेंट्स लाइक शुगर, डेक्सट्रोज, फ्रैक्टोज, लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडेक्सट्रिन, हाई माल्टोज, कॉर्न सिरप, हनी, फ्रूट एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स, एग्स, एग प्रोडक्ट, कॉफ़ी, कोकोआ, चॉकलेट, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, जिंजर एंड नट्स। काफ़ी लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ है लेकिन इसको इजी करके समझाती हूँ क्या बोला गया है इसमें। इसमें साफ साफ आपको फ्रोजन डिजर्ट का मतलब बताया गया है। फ्रोजन डिजर्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि फ्रीजिंग के द्वारा बनाया जाता है। और फ्रीजिंग किसकी? एक मिक्सचर तैयार किया जाता है सारी चीज़ों को, डेयरी और नॉन डेयरी प्रोडक्ट को मिला के उसको पाश्चराइज किया जाता है
और उसको फ्रीज कर लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रोजन डिजर्ट। अब इसमें मिल्क फैट हो सकता है, एडिबल ऑयल्स हो सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को मेल्ट किया जाता है, और मेल्टिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा इसमें मिल्क प्रोटीन हो सकती हैं, वेजिटेबल प्रोटीन्स हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट्स हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, शुगर, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट हैं। इसके अलावा एग प्रोडक्ट होते हैं, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोकोआ, यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं कि एक्चुअली फ्रोजन डिज़र्ट का मतलब क्या होता है और किन किन चीज़ों से, किन किन कंडीशंस में वो बल्कि बना हुआ होता है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि पैराग्राफ बड़ा था। चीज़ें अगर यहाँ से शुरू करो आखिरी तक पहुँचते हुए पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने उम्मीद है अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आया होगा कि क्या है फ्रोजन डिज़र्ट्स। अब आते हैं प्रोडक्शन पे, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है इन फ्रोजन डिजर्ट्स का। द आइसक्रीम एंड फ्रोजन डिजर्ट मार्केट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली $450 million इन 2009-10। जो मार्केट है आइसक्रीम का, ये लगभग $450 तक का रहा है 2009-10 में। Growing at approximately 12-15%, it is expected to cross $900 million by 2014-15. 14-15 तक लगभग ये एक्सपेक्ट किया गया था उस टाइम पे कि 900 मिलियन तक पहुंच जाएगा। The branded market is estimated at approximately $200 million and is growing at 20-25%. India has the right climate for the ice cream consumption, but has a very low per capita consumption. इसमें हमारे अगर इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट तो है जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है, लेकिन इसका कंजप्शन का जो रेट है वो बहुत कम है, पर कैपिटा कंजप्शन इसका बहुत कम है। जैसे कि अगर बात करें, आप अगर नॉर्मली देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से छोटे छोटे से ऐसे गांव हैं जहां पे शायद लोगों ने अभी तक आइसक्रीम को देखा भी नहीं होगा, या फिर देखा भी होगा नॉर्मल जो गांवों में मिलने वाली आइसक्रीम का एक टाइप होता है वो मिलता है। आप अगर उनसे बात करें, जो आइसक्रीम आप खाते हैं बाहर तरह तरह की, उस चीज़ की बहुत जगह तक पहुँच नहीं है। तो जितनी पॉपुलेशन है उतना इनका रेट नहीं है कंजप्शन का। अब आते हैं आइसक्रीम के क्लासिफिकेशन पे। डिपेंडिंग अपॉन द कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉलोड, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन प्रोडक्ट। कुछ क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं, कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें कि आइसक्रीम और फ्रोजन प्रोडक्ट्स को रखा गया है। सबसे पहला है प्लेन आइसक्रीम। प्लेन आइसक्रीम का मतलब होता है एन आइसक्रीम इन विच द टोटल अमाउंट ऑफ कलर एंड फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स इज लेस देन 5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अनफ्रोजन आइसक्रीम। जो कलर और फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स को उसमें मिक्स किया जाता है उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए इसको प्लेन आइसक्रीम भी बोला जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली आइसक्रीम का वॉल्यूम है उससे बहुत कम अमाउंट में इसको ऐड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वनीला आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, मैपल है एंड कार्मेल आइसक्रीम है, इन सब में फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट्स बहुत कम होते हैं। अगली आती है चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम इज आइसक्रीम फ्लेवर्ड विद कोकोआ और चॉकलेट। कोकोआ और चॉकलेट के फ्लेवर से जो आइसक्रीम बनती है उसको चॉकलेट आइसक्रीम बोला जाता है। इसके अलावा आता है फ्रूट आइसक्रीम। फ्रूट आइसक्रीम इज मेड बाय एडिंग वेरियस फ्रूट्स एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के टाइम पे इसमें बहुत सारे फ्रूट्स का एडिशन किया जाता है,
with or without addition of fruit flavoring or color. इसमें फ्रूट का फ्लेवर आप ऐड भी कर सकते हैं, कलर और फ्रूट का फ्लेवर, और नहीं भी ऐड कर सकते हैं. अगली आती है नट आइसक्रीम. आइसक्रीम कंटेनिंग नट मीट्स सच एज आलमंड्स, पिस्टैचियो और वॉलनट विद और विदाउट एडिशनल फ्लेवरिंग और कलर. जो नट्स को ऐड करके आइसक्रीम बनाई जाती है उसको नट आइसक्रीम बोलते हैं. अब इसमें जो फ्लेवर है, कलर है, वो ज़्यादातर आइसक्रीम्स में ऑप्शनल रहता है. नेक्स्ट आता है आइसक्रीम मिल्क और मिल्क आइस. अ प्रोडक्ट सिमिलर टू आइसक्रीम कंटेनिंग 2-7% फैट एंड 12-15% ऑफ MSNF स्वीटेंड फ्लेवर्ड एंड फ्रोजन लाइक आइसक्रीम. ये जो आइस मिल्क या मिल्क आइस होती है, ये आइसक्रीम से सिमिलर होती है. हम यूँ कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली आइसक्रीम नहीं होती. नेक्स्ट है आइसेस. आइसेस मेड ऑफ फ्रूट जूस, शुगर एंड स्टेबलाइजर विद और विदाउट एडिशनल फ्रूट्स कलर फ्लेवरिंग और वाटर एंड फ्रोजन टू द कंसिस्टेंसी ऑफ आइसक्रीम. ये फ्रूट जूस से बनी हुई होती है, शुगर से बनती है, स्टेबलाइजर्स को भी इसमें ऐड किया जाता है. इसके अलावा फ्रूट कलर फ्लेवर ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही है हर टाइप की आइसक्रीम में. अगली है शरबेट्स. शरबेट इज अ प्रोडक्ट, इसको शरबत भी बोल सकते हैं. इज अ प्रोडक्ट मेड ऑफ फ्रूट जूस, शुगर, स्टेबलाइजर एंड मिल्क प्रोडक्ट. इट इज सिमिलर टू एन आइस एक्सेप्ट मिल्क. मिल्क के अलावा ये आइस की तरह ही होता है. नेक्स्ट है शरबेट्स. द कंपोजिशन ऑफ शरबेट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ आइस. आइस का ही सेम कंपोजिशन होता है. शरबेट्स हैव अ हाई शुगर एंड फ्रूट जूस कंटेंट. इसमें फ्रूट जूस और शुगर का कंटेंट काफ़ी हाई रहता है. नेक्स्ट है मौसे. आइसक्रीम कंटेनिंग विप्ड क्रीम. ऐसी आइसक्रीम जिसमें कि विप्ड क्रीम होती है, शुगर, कलर, फ्लेवरिंग एंड फ्रोजन एजेंट, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं और इनमें फर्दर कोई भी एजिटेशन की प्रोसेस नहीं की जाती है. अगला आता है कस्टर्ड. कस्टर्ड इज आइसक्रीम कुक्ड टू कस्टर्ड बिफोर फ्रीजिंग. कस्टर्ड ऐसी आइसक्रीम है जो कि उसको कुक किया जाता है फ्रीजिंग से पहले. फ्रोजन कस्टर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंच आइसक्रीम और फ्रेंच कस्टर्ड आइसक्रीम. इसको और भी नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि फ्रेंच आइसक्रीम और फ्रेंच कस्टर्ड आइसक्रीम. इट कंटेन्स होल एग और एग योक. इसमें एग भी ऐड होता है या एग योक ऐड होता है इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द टोटल एग योक सॉलिड शुड नॉट बी लेस देन 1.4%. जो टोटल एग का सॉलिड मास होता है वो लगभग 1.4% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द वेट ऑफ द फिनिश्ड फ्रोजन कस्टर्ड. अगला है कैसाटा. This is made in a round mold, hinged so that it may be filled with ice cream and other frozen product. इसको एक round mold में बनाया जाता है और इसको hinge किया जाता है ताकि इसको fill किया जा सके ice cream से. The confection is built up in the layers of rich, variously flavored ice cream. Some with fruit, some with liquors and sometimes with chocolate or nuts. ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें ऐड की जा सकती हैं. अगला टाइप आता है वेरीगेटेड और रिपल्ड आइसक्रीम. वेरीगेटेड आइसक्रीम इज प्रोड्यूस्ड बाई इंजेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ अ प्रिपेयर्ड बेस इन टू द आइसक्रीम.
ये ऐसी आइसक्रीम होती है जिसमें कि लगभग जो आइसक्रीम का बेस होता है उसको लगभग 10% तक ऐड करके बनाया जाता है। अगला है नॉवेल्टीज। एन आइसक्रीम नॉवेल्टी इज डिफाइंड एज अ यूनिक सिंगल सर्व पोर्शन। ये सिंगल सर्व पोर्शन की तरह वर्क करती है, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। नॉवेल्टीज इंक्लूड स्पेशल कॉम्बिनेशंस ऑफ आइसक्रीम विद फ्लेवर एंड कॉन्फेक्शन। ये स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं, इनमें कप आइटम एंड फैंसी मोल्डेड आइटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगला टाइप ऑफ आइसक्रीम है फैंसीफुल नेम आइसक्रीम। दीज प्रोडक्ट्स यूजुअली डू नॉट कंटेन अ सिंगल कैरेक्टराइजिंग फ्लेवर। इनमें कोई ऐसा सिंगल फ्लेवर नहीं होता है जिसको कि कैरेक्टराइज किया जा सके। स्टिल बट द फ्लेवर इज ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका जो फ्लेवर होता है वो बहुत सारे फ्लेवर्स को एक साथ मिला देने की वजह से होता है। टू और मोर डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स आर प्रेजेंट इन द सेम पैकेज। एक ही टाइप की आइसक्रीम में बहुत प्रकार के आपको फ्लेवर्स मिलते हैं, इसलिए इसको फैंसीफुल नेम आइसक्रीम बोला गया है। नेक्स्ट आता है मेलोरिन टाइप प्रोडक्ट। मेलोरिन इज अ प्रोडक्ट सिमिलर टू आइसक्रीम। ये प्रोडक्ट आइसक्रीम का सिमिलर होता है, इन विच द बटर फैट हैज बीन रिप्लेस बाई अ सुटेबल वेजिटेबल और एनिमल फैट। इसमें आइसक्रीम की जगह आइसक्रीम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो बटर फैट होता है उसको एनिमल फैट से रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसक्रीम है सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम इज अ टाइप ऑफ फ्रोजन डिजर्ट दैट इज सिमिलर टू बट सॉफ्टर देन द आइसक्रीम। ये एक ऐसी टाइप के आइसक्रीम होती है जो कि होती तो आइसक्रीम जैसी ही होती है, लेकिन सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एज ड्रॉन फ्रॉम द फ्रीजर विदाउट हार्डनिंग। इनको बिना हार्ड किए हुए ही इनको सोल्ड किया जाता है। एंड इट इज़ जनरली लोअर इन मिल्क फैट। इसमें मिल्क फैट कम होता है, लगभग 3.6% तक होता है देन आइसक्रीम। जो नॉर्मल आइसक्रीम होती है उसमें मिल्क फैट 10 to 18% तक प्रेजेंट होता है। एंड प्रोड्यूस्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट -4 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम को लगभग -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया जाता है, कंपेयर्ड टू आइसक्रीम। जो आइसक्रीम है उसको -15 पे स्टोर किया जा रहा है, लेकिन सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम को -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स। आइसक्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? द सेलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी आइसक्रीम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जो जो चीज़ों को ऐड करना है उनका सेलेक्शन करना। आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है डेरी इंग्रेडिएंट्स और दूसरा है नॉन डेरी इंग्रेडिएंट्स। डेरी इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मिल्क फैट। डेरी इंग्रेडिएंट्स को मिल्क फैट के सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, एज वेल एज मिल्क सॉलिड नॉन फैट के फॉर्म में। रिक्वायर्ड फॉर इम्पार्टिंग अ करेक्टरिस्टिक रिचनेस एंड फ्लेवर टू आइसक्रीम। इन सब की ज़रूरत होती है ताकि इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जा सके। दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू स्मूथनेस ऑफ टेक्सचर एंड रेजिस्टेंस टू मेल्टिंग।
ये टेक्सचर को स्मूथ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये इजिली मेल्ट ना हो इसमें भी हेल्प करते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स जिनको कि ऐड किया जाता है आइसक्रीम में, कुछ इस प्रकार हैं। पहला है स्वीटनर। स्वीटनर्स इन्हेंस पोटैटेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जनरली द डिजायर्ड शुगर कंसंट्रेशन इन आइसक्रीम इज 13-16%। इसमें 13-16% तक शुगर का मात्रा प्रेजेंट होता है। स्वीटनर्स ऑल्सो अफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के फ्रीजिंग पॉइंट को स्वीट्स जो ऐड किए जाते हैं, स्वीटनर्स जो स्वीट करने के लिए, वो अफेक्ट करते हैं। Thereby properties of the finished product as well, जो आइसक्रीम को बनाने के लिए मिक्सचर बनाया जाता है उसमें जब स्वीटनर को ऐड करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट बन के रेडी होता है उसमें भी स्वीटनर्स का अफेक्ट देखा जा सकता है। अगला आता है स्टेबलाइजर्स। द स्टेबलाइजर्स आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स यूजुअली पॉलीसैकेराइड इन नेचर। जो स्टेबलाइजर्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ज़्यादातर ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग विस्कोसिटी टू द मिक्स। ये विस्कोसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड द अनफ्रोजन फेज ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम की अनफ्रोजन फेज को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। द बेसिक रोल ऑफ स्टेबलाइजर इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर, फ्री वाटर जो आइसक्रीम में प्रेजेंट होता है उसको ये कम करते हैं बाय बाइंडिंग इट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये बाइंड करते हैं स्टेबलाइजर्स वाटर से इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन और बाय इमोबिलाइजिंग इट विद इन अ जेल स्ट्रक्चर। अब या तो ये उससे खुद ही बाइंड कर जाते हैं या फिर उसको जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला आता है इमल्सीफायर। एन इमल्सीफायर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल वाटर और एयर वाटर इंटरफेरेंस। इमल्सीफायर्स का काम होता है सरफेस टेंशन को कम करना बिटवीन ऑयल वाटर और एयर वाटर इंटरफेस, दस इन्हेंसिंग इमल्सिफिकेशन एंड इंक्रीजिंग इमल्सन स्टेबिलिटी। ये इमल्सिफिकेशन को इंक्रीज करते हैं और इसके साथ में ही इमल्सन की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। इमल्सिफायर्स इम्प्रूव व्हिपिंग क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम मिक्स, व्हिपिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस अ ड्राई एंड स्टिफ आइसक्रीम, ड्राई और स्टिफ आइसक्रीम के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज एंड रैपिड मेल्टडाउन, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ताकि रैपिडली ये श्रिंक ना हो जाए, रैपिड तरीके से मेल्ट ना हो जाए। इसके अलावा इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ कोरस और आइसी टेक्सचर, आइसी टेक्सचर जो होता है उसको मेंटेन करते हैं एंड प्रोवाइड स्मूथ टेक्सचर इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो आइसक्रीम बन के रेडी होती है, उसमें भी एक स्मूथ टेक्सचर को प्रोवाइड करते हैं ये इमल्सीफायर्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या अभी आप इस लेक्चर को जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, आप डायरेक्टली कोर्स पे पहुंचेंगे और वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। ITLS Academy हर जगह पे मौजूद है। इसके अलावा सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।
आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. फॉर एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर 2. सो थैंक यू वेरी मच अगेन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.